तो भाई लोग वेलकम है आपका फिल्मी किस्सों की दुनिया में और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के एवेंजर्स के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई लोग आपको तो पता है कि एवेंजर्स की टीम इसलिए बनी थी कि वक्त आने पर जब दुनिया को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये सुपर हीरो साथ मिलकर लड़ें। तब जब एवेंजर्स एक साथ हुए थे तब उसमें सिर्फ 6 सुपर हीरो थे, कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, ब्लैक विडो, थॉर और हॉकाई। लेकिन आपने नोटिस किया हो तो मार्वल इन सबको रिप्लेस कर रहा है। मतलब आप खुद देखो ना, आयरन मैन को इन्होंने एंड गेम में मरवा दिया, कैप्टन अमेरिका को फ्यूचर में भिजवा के बड़ो बनवा दिया, नताशा को तो ये मार्वल वालों ने पत्ता साफ कर दिया, थॉर को इन्होंने डिप्रेशन में डाल दिया और अब बचा हल्क, तो वो ना तो हल्क रहा ना बैनर। तो ये मार्वल वाले आखिर करना क्या चाहते हैं? बस हॉका ही बचा रखा है। और एक चीज, ये मार्वल वाले सारे एवेंजर्स को फीमेल एवेंजर में चेंज कर रहे हैं, मतलब एवेंजर को लेडी एवेंजर बना रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा कि रियल एवेंजर्स में सिर्फ ब्लैक विडो ही फीमेल थी, यानी एक फीमेल और 5 मेल। लेकिन अब ये मार्वल वाले हल्क को शी हल्क में बदल रहे हैं, थॉर को जैन फ्रॉस्ट में रिप्लेस कर रहे हैं, ब्लैक विडो को येलिना से रिप्लेस कर रहे हैं, हॉकाई को कैट बिशप से रिप्लेस कर रहे हैं, कैप्टन को सैम से कर रहे हैं और हम सबके फेवरेट आयरन मैन को आयरन हार्ट से कर देंगे। यानी अभी डाटा उल्टा रह गया है, एक मेल और 5 फीमेल। और जबकि मार्वल की 80% ऑडियंस मेल है, तो अब पता नहीं क्या करने वाले हैं ये मार्वल वाले। आपको क्या लगता है कौन से सुपर हीरो सबसे बेस्ट थे और आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।